हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एडुटेरिया के करंट अफेयर्स में नेशनल हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसमें भी जुलाई मंथ का तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमें क्या क्या डिस्कस करना है? अगस्त प्लस सेप्टेम्बर प्लस अक्टूबर, उसके बाद 10 नवम्बर तक दे रखा है इस किताब में, तो 10 नवम्बर तक हम कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्लान चल रहा है बीपीएससी के लिए, 45 डेज का प्लान। अभी बस 3 दिन हुआ है और ये डे वन और डे टू का क्वेश्चन डला गया है। डे थ्री का क्वेश्चन थोड़ी देर में डलाएगा। क्वेश्चन में जो आपसे आज के प्लान में जो जो था उसी से टेस्ट होता है, और टेस्ट थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। टफ किस लिए? क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि इसमें ये जो प्लान है उसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रहा है, प्रैक्टिस घटनाचक से, तो फिर सेम एमसीक्यू में ऑप्शन देके पूछूँ तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अपने दिमाग को और जोड़ दो, इसलिए मतलब वर्ड याद करो, ऐसे चीज़ें। इसलिए मैं आपको जो पहले प्लान का, तो ये देखो करेंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन है। अभी शुरुआत में मैं हल्का हल्का दे रहा हूँ, बाद में थोड़ा हम लेवल इंप्रूव करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स का पहला न्यूज। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकन जो कंट्री है घाना, वो प्रेसिडेंट बना है यूएनएससी के। अब क्वेश्चन होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका प्रेसिडेंट हर मंथ में बनता है। हाँ, तो ये नवंबर के है। दिसंबर के आपको पता है कौन है? दिसंबर के है इंडिया। यहाँ पे आप मैप देखो, अभी कौन कौन मेंबर है यूएनएससी में? 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास अपना वीटो पावर होता है। लाइक अभी कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, जैसे अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन। ये कब उनका टाइमलाइन ख़त्म होगा वो दिखा रहा है। इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई। तो इंडिया का अब ख़त्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट, इंडिया का पीरियड। तो टोटल 15 पीरियड ये है। और अभी प्रेसिडेंसी किसके पास है? अभी प्रेसिडेंसी है, यहाँ पे देखोगे आप फोटो, यहाँ पे प्रेसिडेंट है। दिसंबर के महीने में इंडिया प्रेसिडेंट है, नवंबर के महीने में घाना था। ये फोटो है हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएनएससी रुचिरा कंबोजी का, ये बात भी याद रखिएगा। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पर क्वेश्चन आता है, आया भी था इनसे पहले वाले जो थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो पहला करंट अफेयर्स हमारा हो गया। यूएनएससी यूनाइटेड की जो 6 बॉडी होती है उसमें से एक बॉडी होती है। यूएनएससी ही क्या करती है, जो किसी किसी देश में जो पीस कीपिंग फोर्स जाता है यही डिसाइड करती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही डिसाइड करती है कि पीस कीपिंग फोर्स कहाँ पे जाएगा। तो पीस कीपिंग फोर्स के बारे में थोड़ा डीप हमारा करेंट अफेयर्स में करेंगे हम लोग फिर कभी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है द, क्योंकि जब विजन का हम लोग करेंगे ना, विजन का भी मंथली हम लोग करने वाले हैं। मंथली सिर्फ मैं उसका नोट्स बना चुका हूँ, जो प्री रिलेटेड मटेरियल का अभी करेंगे, जब मेंस आएगा तो मेंस रिलेटेड। तो जो जो उसके बुक है, मैगजीन है, उससे नोट्स, मान लो एक मैगजीन है 120+ पेज का, तो उससे नोट्स हम बनाएंगे 4-5 पेज का प्री मटीरियल, ठीक है? तो उसको हम करवा देंगे वीडियो फॉर्म में मंथ वाइज। तो अब मान लो, क्योंकि उससे बहुत सारे स्टैटिक भी कवर हो जा रहे और करेंट अफेयर्स तो हो ही रहे, क्योंकि एक एक मैगजीन पे हम रिलाई नहीं कर सकते 100%, ठीक है? नेक्स्ट है परमा क्राइसिस, इसको सिलेक्ट किया गया है कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, तो ये तो नॉर्मल बात है, परमा क्राइसिस। उसके बाद लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है पूरी दुनिया का, पैसेंजर, यहाँ पे आपको जो फ्राइट ट्रेन के बारे में हम लोग एक जो वासुकी की बात करते हैं, वासुकी, ये एक फ्राइट ट्रेन है, मतलब सामान की ढुलाई करता है। ये है लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, ये पूरी दुनिया का है, स्विट्जरलैंड में। इसकी लंबाई है 2 किलोमीटर, 100 से ज़्यादा कोचेज है, 100 कोचेज है। कोई दिक्कत नहीं, नवंबर वाला करेंट अफेयर्स हमारा हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं था इंटरनेशनल अफेयर्स में। नेक्स्ट है यहाँ पे आप 2 देश देखिए, एक है यहाँ पे घाना, घाना ये
पैसिफिक अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पे एक देश है सेनेगल, दोनों अटलांटिक ओशन से मिल रहा है, ये भी बात याद रखिएगा। क्या ये दो इन दो ये दोनों ये इक्वेटर से होकर गुजरते? नहीं, इक्वेटर कुछ इस तरह गुजरता है, तो इक्वेटर से होकर नहीं गुजरते हैं, थोड़ा और नीचे है, लेकिन इक्वेटर से सेनेगल नहीं गुजरता है। एक चीज़ क्लियर है दोनों देशों के। अब क्योंकि घाना हमने ऑलरेडी करेंट अफेयर्स कर लिया, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, कौन सा करेंट अफेयर्स है। इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किसके लिए? एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, वी मुरलीधरन। इन्होंने डकार इंटरनेशनल फोरम, डकार इंटरनेशनल फोरम है एक, पीस एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीका एक फोरम हुआ, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे हुआ? सेनेगल में हुआ। सेनेगल हमने देख लिया कहाँ पे लोकेशन है, तो सेनेगल लोकेशन, घाना लोकेशन, दो लोकेशन हमारे ध्यान में हो गया। उसके अलावा ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट, ग्लोबल यूथ, यूथ से रिलेटेड है, ये कहाँ पे हुआ? बांग्लादेश में हुआ, खुलना में, ठीक है ना। नाम से पता चलता है कि यूथ को आप इम्पावर करो कि वो कैसे क्लाइमेट क्राइसिस से निपटे, कैसे टैकल करे। यूथ को कहाँ पे समिट हुआ? खुलना में, बांग्लादेश। नेक्स्ट है टेस्ला की, टेस्ला जो कंपनी के सीईओ है, टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क, उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया 44 बिलियन में, ठीक है। रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है सिंगापुर के साथ एक एग्रीमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एनर्जी, ग्रीन एनर्जी फ्रॉम 2025, ठीक है ना। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करेगी ग्रीन एनर्जी 2025 से। यहाँ से आपको ये है सिंगापुर, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का गुजरता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये है सुमात्रा आइलैंड, और इसके आसपास ही है जो हमारा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार आपको पता ना, अंडमान और निकोबार के बीच से कौन गुजरता है? 10 डिग्री चैनल, क्लियर। तो ग्रेट निकोबार है पता, इसका सबसे सदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट के आसपास है। तो एशियन कंट्री में सिंगापुर तो हमने करंट अफेयर्स में देख लिया, उसके अलावा और देश, एशियन कंट्री में टोटल 10 मेंबर है, और मेंबर का हम बात कर लेते हैं। एक है म्यांमार, जहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है, लाओस, लाओस, लाओस एक लैंड लॉक कंट्री, ये भी याद रखिएगा, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम ये वाला है ऐसे करके, मलेशिया, मलेशिया दो पार्ट में, एक इधर है आधा आधा इधर है, ठीक है ना, ब्रुनेई, इंडोनेशिया ये पूरा पार्ट है, और फिलीपींस, टोटल 10 हो गए ना, 1 2 3, थाईलैंड को लेके टोटल 10 हो गए। थाईलैंड देखिए इतना है, इसको गल्फ ऑफ थाईलैंड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा द मीटिंग ऑफ काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ध्यान देना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है पता है, उसका एक कमिटी है फॉर काउंटर टेररिज्म, कैसे टेररिज्म को दूर करते हैं। इसका कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ पहली बार। इसको चेयर चेयर किन्होंने किया, मैंने आप लोग को बताना, कौन है हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन, यह है रुचिरा कंबोजी, क्लियर। दो हजार तेईस में फरवरी के महीने में एक्चुअली 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होता है, विश्व हिंदी सम्मेलन, इस बारी कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? फिजी। फिजी कहाँ पता है? जो बहुत सारी पैसिफिक ओशन की छोटी छोटी कंट्री है उसमें से एक फिजी आता है, और ये कौन ऑर्गेनाइज करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आपको लगे कि यार हमारे कल्चर मिनिस्टर वगैरह या टूरिज्म मिनिस्टर करते होंगे, लेकिन नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये हर 3 साल में एक बारी होता है। फिजी का लोकेशन देखें तो यहाँ पे है, ठीक है। और भी यहाँ पे देश है, टोंगा, तुवालु, किरीबती, सोलोमन आइलैंड बहुत इम्पोर्टेंट, यूएसए के साथ एक कुछ इसका हुआ है, पापुआ न्यू गिनिया, पापुआ गिनी, न्यू कैलेडोनिया, ये फ्रेंच ट्रिब्यूट मतलब टेरिटरी है, न्यूजीलैंड तो पता है, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच जो सी है वो कौन है? तासमान सी, तासमान सी, और यहाँ सोलोमन आइलैंड, ये सब के बीच है कोरल सी, याद रखिएगा, ये वॉल्स एंड फुफुना, ये फ्रेंच कॉलोनी ही बोल सकते हो इसको, साउथ पैसिफिक ओशन में है, साउथ पैसिफिक ओशन में है सारा देश। नेक्स्ट है इंडिया एशियन स्टार्टअप फेस्टिवल, अब एशियान का मुझे मैप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ?
इंडोनेशिया के बोगोर में, इंडोनेशिया के बोगोर में, ताकि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के फील्ड में इंडिया और एशियान कंट्री आपस में कॉपरेट कर सके। चाइना और पाकिस्तान ने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है 3 कॉरिडोर, 3 कॉरिडोर इन हेल्थ, डिजिटल एंड ग्रीन सेक्टर, चाइना और पाकिस्तान ने। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में तो आपको पता ही है, ये इंडिया के सॉवरनिटी को वायलेट करता है और इसीलिए इंडिया अगेंस्ट में है। रिसेंटली सरंग उत्सव, सरंग उत्सव ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ, इंडियन एम्बेसी इन साउथ कोरिया, सरंग उत्सव, और ये इंडिया के कल्चर को बताता है। आपको पता है कौन सा लाइन है, आपको मुझे बताना है कौन सा लाइन है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है, प्लीज कमेंट में बताइए, ठीक है ना। ये एक मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 57 डिग्री, 38 डिग्री और 32 डिग्री, ये तीन में से एक बताना, नॉन ऑफ दीज भी है चौथा। रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया ने ऑक्यूपाई किया 4 रीजन जो यूक्रेन का है, डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खर्सन रीजन, ठीक है ना। ये चारों ईस्टर्न साइड वाला रीजन है, ध्यान रखना बस, ज़्यादा एक एक ये नहीं पूछा है कि इसमें से कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। इंडिया ने साइंड किया है अर्मेनिया के साथ ताकि इंडिया आर्म्स का एक्सपोर्ट कर सके लगभग 2000 करोड़ का। यहाँ लोकेशन देख लेते हैं, कैस्पियन सी इधर है, कैस्पियन सी, और ये है अजरबैजान, ये है अर्मेनिया, ऊपर में है जॉर्जिया और उसके ऊपर में है रसिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये है अजरबैजान, ये है अर्मेनिया। तो क्या अर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है? यस, आप देख सकते हो सीधा सीधा, अर्मेनिया एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। और जो इससे ज्वाइन होता है वो भी लैंड लॉक ही है, इसको आप सी में कंपेयर, सी में आप इसको नहीं बोल सकते। देखो तो क्यों सी में नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका मुंह किसी और सी से ओपन नहीं है, लार्ज सी से खुला हुआ नहीं है, बस इसीलिए इसको सी नहीं बोलते। तो जो इससे जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो ये है उज्बेकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान भी लैंड लॉक कंट्री है, याद रख सकते हो। इवन कजाकिस्तान भी, उज्बेकिस्तान भी, क्योंकि ये किसी सी से बॉर्डर टच नहीं करते, इसको उस सी में नहीं गिनते, क्योंकि इसका मुंह, इसका जो है ओपन नहीं है किसी मेन सी के साथ, ठीक है ना। तो जॉर्जिया ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है, अजरबैजान कैस्पियन से जुड़ा हुआ है, अर्मेनिया तो बिल्कुल लैंड लॉक है, ठीक है। उसके बाद यह है टर्की, टर्की के दो, एक क्वेश्चन पूछा था टर्की कौन से दो सी के बीच में, तो ब्लैक सी है और मेडिटेरेनियन सी है। टर्की से टच कौन कौन करता है, सीरिया टच करता है, ठीक है ना। तो और हम डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ये है यूक्रेन, यूक्रेन का ये वाला रीजन है जो हम चार रीजन बोले हैं, राइट हैंड साइड रसिया के साथ बॉर्डर बना रहा है, ये तो पता ही है सबको। नेक्स्ट है यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल चार्जिंग पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, अगर सिंगल चार्जिंग पोर्ट आ गया तो इतना ई वेस्ट जनरेट नहीं ना होगा भाई, लैपटॉप के लिए अलग चार्जिंग केबल, मोबाइल के लिए अलग, अलग अलग लैपटॉप है तो अलग अलग लैपटॉप के लिए अलग अलग, ठीक है ना। तो ये सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है। इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑब्जेक्टेड टू द US एम्बेसडी, थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑब्जेक्टेड टू द US एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम, क्योंकि ये ने इसने विजिट किया था POK के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है ना, जब पाकिस्तान को विजिट किया था तो यहाँ पे भी किया था। बुर्किना फासो में, मैंने आपको जो घाना वाला मैप दिखाया था ना, उसमें बुर्किना फासो भी है, घाना वाले मैप में अगर आप ध्यान से देखते तो आपको बुर्किना फासो भी दिखता है, जस्ट टॉप ऊपर देखो, घाना से जस्ट ऊपर ये है बुर्किना फासो। तो क्या ये बॉर्डर टच करता है? नहीं भाई, लैंड लॉक कंट्री है। तो बुर्किना फासो में क्या हुआ, मिलिट्री कूप हुआ, और जो आर्मी कैप्टन था इब्राहिम तरोर,
इसने ये ऑफिशियल प्रेसिडेंट बन गया है, मतलब सत्ता हथिया लिया, सिंपल समझो ना। उसके अलावा ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050, ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 ये रिपोर्ट रिलीज किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है ना। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? रोम में, ठीक है ना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर तो मैंने बता ही दिया, और एक्चुअली मेरा पेन टैब अब काम नहीं कर रहा है, मुझे बस बोलना होगा तो मैं नहीं तो लिख के बताता। एक ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है, ध्यान देना, GIAHS, ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है। ये किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया? FAO के द्वारा। उसके अलावा एक और है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये भी इसी के द्वारा लिया गया, ठीक है। एक्चुअली काम नहीं कर रहा, ठीक है फिर मैं बता दूँ, क्योंकि ये मंथ का एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, ये किसके द्वारा दिया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया। प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया। वर्ल्ड बैंक और भी कई सारी रिपोर्ट बनाती है, कुछ का मैं आपको लिखा देता हूँ, बोल देता हूँ। देखो जब भी हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं ना, तो उसमें पांच इंस्टीट्यूशन आता है। पहला आता है IBRD, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। सेकेंड आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, पहला है IBRD और सेकेंड है IDA। इन्हीं दोनों को मिला के हम वर्ल्ड बैंक जनरली बोल देते हैं, लेकिन तीन और इंस्टीट्यूशन है इसके पास। एक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फोर्थ नंबर है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये सारे इसके इंस्टीट्यूशन हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, और कुछ और रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक निकालती है वो मैं बताने वाला था। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब इसको स्टॉप किया गया है। ऐसा बोला जाता था कि चाइना इसमें अपना डेटा गलत बताता था। सेकंड, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। उसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट, ये जॉइंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम दावोस में, जिसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ, हर साल सेशन होता है दावोस में, और युवा, तीन ऑर्गेनाइजेशन है तीनों के द्वारा। प्लैनेट रिपोर्ट, प्लैनेट रिपोर्ट 2022, ये वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ फॉर नेचर ने, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। कजाकिस्तान ने अपना जो जो कैपिटल है फिर से रीनेम कर दिया है, फिर से नूर सुल्तान टू अस्ताना कर दिया है। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पांचवा असेंबली हुआ न्यू दिल्ली में 17 से 20 अक्टूबर के बीच, इंडिया के एनर्जी मिनिस्टर आरके सिंह जी चेयर कर रहे थे, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्च द बुक मोदी एट द रेट 20, ड्रीम्स मीट डिलीवरी, कहाँ पे इन्होंने किया? न्यूजीलैंड में। उसके अलावा न्यूजीलैंड का लोकेशन आपको पता है, हमने अभी ऑस्ट्रेलिया वाला लोकेशन किया। तो MOU वॉज साइंड बिटवीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जापान एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंडिया फॉर इन्हांसिंग द टेक्निकल कैपेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब एक तो देखो, ये एक जापान का इंस्टीट्यूशन है और एक इंडिया का इंस्टीट्यूशन है। जापान का इंस्टीट्यूशन आपको याद नहीं रहना है, वो भी एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस है, और इंडिया का आयुर्वेदा वाला है, ठीक है ना। इन दोनों ने कॉपरेशन किया है ताकि एजुकेशन के कैपेबिलिटी को और ऊपर ले जाया जा सके। ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये यूनिसेफ के साथ पार्टनर कर रही है ताकि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद FATF का जो ग्रे लिस्ट होता है, ठीक है ना, ग्रे लिस्ट होता है, उससे पाकिस्तान को रिमूव किया गया है। पाकिस्तान 2018 में इसमें आया था। उसके बाद एक साइक्लोन है सीतारंग, ठीक है ना, ये वेस्ट बे ऑफ बंगाल में आया और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को इफेक्ट किया। इसका नाम किसने रखा है? थाईलैंड ने, सीतारंग, सीतारंग। WHO ने इशू किया है
मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट ऑन 4 कप सिरप एंड कोल्ड सिरप, ये किसके द्वारा बनाया? इंडिया की एक कंपनी मेड इन फार्मास्यूटिकल के द्वारा बनाया गया था। इससे पता है 66 बच्चों की मृत्यु हो गई गैम्बिया में। इसके लिए 4 मेंबर कमेटी कंस्टिट्यूट किया गया, किनके अध्यक्षता में? वाई के गुप्ता के अध्यक्षता में। सिंपल समझो, मेडिकल प्रोडक्ट था मेड इन फार्मास्यूटिकल्स का, उससे क्या हुआ 66 बच्चों की मृत्यु हो गई, तो वाई के गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है ताकि ताकि क्या किया जा सके, इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। ईस्ट एशिया का एजुकेशन मिनिस्टर समिट हुआ, ये कहाँ पे हो? हनोई में, वियतनाम। वियतनाम हनोई में। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग ये कहाँ पे हुआ? गांधीनगर में। इंडिया और पूरे अफ्रीका का डिफेंस डायलॉग। नोटेड हॉलीवुड एक्ट्रेस है अन्ना मे योंग, ये बनी है पहली एशियन अमेरिकन जो US करेंसी पे आ रही है, क्वार्टर डॉलर पे। FATF ने डिसाइड किया है कि म्यांमार को वो डालेंगे ब्लैक लिस्ट में, ठीक है। UAE गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ब्रेड फॉर ऑल, सबके लिए चाहिए रोटी। एनुअल मीटिंग हुआ IMF और वर्ल्ड बैंक का, कहाँ पे? USA में, ये तो नॉर्मल बात है। अब जो सेकेंड और सितंबर और अगस्त महीने का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तो मैं देखता हूँ पेन टैब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, अगर आप इस प्लान को फॉलो करना चाहते हैं जो प्लान हम लोगों ने चलाया है, तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए, ठीक है ना। मैं नंबर लिख रहा हूँ 9582062485, ठीक है ना, 9582062485 पे ज़रूर आप मैसेज करना अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।